हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गार्डन ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि घर पर ही स्ट्रॉबेरी की सीडलिंग्स कैसे तैयार करें या स्ट्रॉबेरी को बीज से कैसे उगाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सामने देख पा रहे हैं कि मैंने एक छोटा गमला ले लिया है। अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं। पानी धीरे धीरे डालना है कि जिससे गड्ढा न बने और पानी जो है कम से कम ऊपर की 2 इंच की सतह तक अच्छे से नमी पहुंचा दे। दोस्तों, पानी मिट्टी ने पी लिया है, ये सामान्य गार्डन सोइल है। और अब आप ये सामने मेरे हाथ में स्ट्रॉबेरी के बीज देख पा रहे हैं। स्ट्रॉबेरी के बीज जो हैं बिल्कुल बारीक होते हैं। इनको कैसे प्राप्त किया जाता है इसके बारे में भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ, आप उस वीडियो में अच्छे से देख पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो स्ट्रॉबेरी के बीज हैं बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और इनके उगने में लगभग 25 से 30 दिन का समय लगता है। तो अब हम आइए इन स्ट्रॉबेरी के जो बीज हैं इनको इस गमले की मिट्टी के ऊपर छितर देते हैं, अर्थात छिड़क देते हैं। इनको आप ध्यान से धीरे धीरे सारे गमले की मिट्टी के ऊपर छिड़क दीजिए। देखिए, हम इसको छिड़क पा रहे हैं। अब दोस्तों, आपको आवश्यकता पड़ेगी कोकोपीट की। कोकोपीट आप घर पर ही बना सकते हैं, इसके लिए भी मैं वीडियो डालूंगा कि कैसे आप कोकोपीट घर पर तैयार करें। इसको थोड़ा थोड़ा उंगली से ऐसे दबाते जाएं कि ये थोड़ा मिट्टी के ऊपर न रहें, थोड़े थोड़े अंदर चले जाएं। और अब इसके ऊपर जो ये कोकोपीट आप देख पा रहे हैं, ये कोकोपीट छितर देंगे। इतनी ही डालेंगे कि जो कम से कम बीज को दबाए, अर्थात बीज जो है बहुत ज़्यादा ना दब जाए, थोड़ा थोड़ा बीज इससे दबे। और इसको अच्छे से डाल के दोस्तों, और इसके ऊपर हम हाथ की सहायता से धीरे धीरे पानी का छिड़काव करेंगे। यदि आपके पास कोई स्प्रे पंप हो तो स्प्रेयर से भी आप आराम से पानी डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ फिलहाल उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर पानी जो है वो हाथ की सहायता से छिड़कूंगा। आप धीरे धीरे पानी छिड़कें। ये आपको अवश्य सावधानी रखनी है कि यदि पानी आपने ज़्यादा फ्लो में डाल दिया तो जो बीज हैं वो वहाँ से बाहर आ जाएंगे और उनके उगने की प्रक्रिया में बाधा हो जाएगी, अर्थात वो जर्मिनेट नहीं होंगे। तो दोस्तों, हमने जो पानी है वो छिड़क दिया है और अब हम जो है 20 से 25 दिन का वेट करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे जो सीड्स हैं वो कितने दिन में ग्रो हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, ये आपके सामने 1 महीने बाद की अपडेट है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे दो दो पत्तियों वाले जो आपको सीडलिंग्स दिखाई दे रहे हैं, ये ही स्ट्रॉबेरी के सीडलिंग्स हैं। इसमें कुछ एक पौधे और दूसरे उगाए हैं, इनको हम निकाल देंगे बाद में और अपना फोकस रखेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे स्ट्रॉबेरी के सीडलिंग्स पर। तो आप देख पा रहे हैं बड़े सुंदर हमारे ये सीडलिंग्स उगे हैं और अभी और भी उगने बाकी हैं। दोस्तों, ये आपके सामने जो अपडेट है ये 45 डेज बाद का है, 45 दिन बाद आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो स्ट्रॉबेरी के जो पौधे हैं, जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे हैं, वो बड़े स्वस्थ हैं और ये 3-3, 4-4 पत्तियों के हो गए हैं। और आप देख पा रहे होंगे क्योंकि बीच में सर्दियों का सीज़न था और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण इन्होंने ज़्यादा ग्रोथ नहीं की है, लेकिन जैसे जैसे दिन गर्म होते जाएंगे ये अच्छे से ग्रोथ करते जाएंगे। इनको लगभग और 10 या 15 दिन बाद हम दूसरे गमलों में शिफ्ट कर सकते हैं। इनको दूसरे गमलों में शिफ्ट करने की वीडियो भी मैं आगे डालूंगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और यदि आपने इस वीडियो को पसंद किया हो तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें और आपके गार्डनिंग के ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती रहे।
तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्रसन्न रहिए सभी को।